आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि यू नो जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मजा आएगा। ओके, इसी के साथ The response is amazing. जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है. एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड जो मुझे मैसेज पहुँचाना था मेरी जर्नी के थ्रू, मैंने पहुँचा दिया. देखो, मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो. हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज अबाउट इट. Okay, besides that, Divya, also we would like to know, Big Boss खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में उसके बारे में? ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीजन 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी. एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनी थिंग गो ऑर्गनाइज, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी, ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी. तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है. सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर. ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा, इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग. आपके पास काफ़ी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर, करण जौहर को एंड शमिता शेट्टी को इतनी अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया, क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? I really don't think so. जो भी होता है it was the part of the show and मेरे लिए वहाँ पे genuinely मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था. I know and मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था. एंड हाँ, नहीं इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है. बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है, मैं खतरों की खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ. नहीं आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय एंटायर जर्नी. ऑनेस्टली अभी हो चुका है जर्नी, तो आई डोंट वांट टू टॉक. वरुण सर ने भी काफी सारे दिया कि नहीं आपको गिफ्ट? क्या दिया वरुण? क्या मैं, हाँ वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई ट्रॉफी लेके, और क्या चाहिए उसको. ओटीटी से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस की टीम में नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत, बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है, ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी, आई नो दैट. तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर. आपने ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर, आपने बोला आप कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? हाँ मतलब अब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इट्स गुड फॉर माई ब्रदर, ही इज़ गोना किल इट मे बी. That was actually my natural instinct, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पर दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर. तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी अग्रेसिव, बट दैट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट. अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फट रही हूँ, तो आई थिंक इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वॉज हैपनिंग देयर, बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस.
जी जी कहना जी बिल्कुल कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है. द स्टोरी एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके. एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ. And that's how I've come out on Cartel. And I'm very happy. India ka brand hai, apna brand hai, famous to hona hi hai. Indians are going to support, I'm sure. And there were 136 talented actors. There was no reason ke ye kisi bhi web series se zyada ya kam chale. It is giving justice to everything. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट. एंड दिस इज़ आई गेस एकता कपूर फेवरेट प्रोजेक्ट आई कुड से बिकॉज शी इज़ पुट इन अ लॉट. वन आई थिंक आई लव्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज सबके कैरेक्टर्स की ही अपनी अलग एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए हैं गेम में इट वॉज आई मीन इन द शो इट वॉज अमेजिंग. एंड मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो आई थिंक आई रियली लाइक द ओल्ड मैन लुक. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वॉज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में, सिंस द शो इज ओवर अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, क्या हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी. डन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.